99 सीटों वाली कांग्रेस को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही लगभग धौंस दिखाते हुए कहा, हमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया तो हम स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, अगर नहीं तो हम स्पीकर के पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये सब तब कहा जबकि उन्हें पता है कि लोकसभा में एनडी गठबंधन की पूरी ताकत 234 सांसदों की है, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है, मतलब कि एनडी गठबंधन के पास 231 सांसद हैं, लेकिन उसके लटके झटके ऐसे हैं जैसे उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। इतना ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने एक दूसरी ही लाइन ले ली है। संजय राउत ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। राउत ने यहां दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा, बीजेपी को ये पद मिलता है तो वो सरकार का समर्थन करने वाले दलों जेडीयू टीडीपी चिराग पासवान और जयंत चौधरी के राजनीतिक संगठनों को तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि हमें अनुभव है कि भाजपा उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और अगर ऐसा होता है तो एनडी गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी टीडीपी को समर्थन दें। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नियम के मुताबिक विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ नेताओं द्वारा भाजपा के बारे में दिए गए हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि अगर आरएसएस अतीत की गलतियों को सुधारना चाहता है तो ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया था, न कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक में नेतृत्व का मुद्दा आता तो नतीजे अलग हो सकते थे, इसलिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुना गया, ये गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।